बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग जी। मैं भी अल्लाह का लाख लाख बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। बस आप लोग दुआ कर दिया करें। ठीक है जी, तो आज की सुबह का आगाज़ करते हैं। मैंने बताया था आपको, जिस तरह से हमारे लंच डिनर जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, इसी तरह हमारे घरों में नाश्ता भी हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से करना चाहिए। लेकिन अमूमन होता क्या है कि हम लोग नाश्ता जो होता है वही हमारा या पराठा अंडा हो गया या ब्रेड मक्खन जो हो गया, मतलब नॉर्मली जो होता है ना रेगुलर नाश्ता हमारे घरों में यही किया जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि डिफरेंट आपको बताया करूँगी, ये भी नाश्ते के ही आइटम्स हैं, ये भी खाया करें, सेहत अफजा नाश्ते हैं ये। तो ठीक है जी, आज का नाश्ता जो है वो मैं स्टार्ट कर लूँगी। वो मैं क्या बनाऊँगी, ये आपको नज़र आ रहा है निके निके गोल गोल बोल से जी। तो ये क्या है जी, ये हमारा है जी साबूदाना। ये साबूदाना तो नहीं कहते, साबूदाना, ठीक है जी। ये मेरे पास है जी, कितना है ये मेरे पास है, हाफ कप, ठीक है। बिस्मिल्लाह पड़ा हमने और एक बोल में डाल दिया, ठीक है। और इसमें जाएगा हाफ कप, ये साबूदाना है ना, तो इसमें जाएगा जी मिल्क, जाएगा इसमें तकरीबन हाफ लीटर जाएगा, ठीक है। और इसमें हम डाल रहे हैं चीनी भी हाफ कप से कम, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डाला। हाफ कप से बढ़ा दीजिए, तीन अगर बड़े चम्मच खाने के वो गए, ठीक है। बाकी आपको जितना भी टेस्ट में, तीन चम्मच इसलिए खाने के डाले, हाफ कप जब इसमें जाएगा ना मिल्क तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और चीनी मैंने इसलिए अभी इसमें ऐड कर दी है कि मैं चीज़ों को कन्वीनियंट करती हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरे पास ये टाइम सेविंग चीज़ है ना, यानी कि आसानी इसलिए कर दी है कि टाइम भी सेव हो जाता है। हमारे पास गैस का बहुत इशू आता है, तो मैंने एक काम के बाद दूसरा काम करना होता है, ठीक है जी। तो इसमें वन कप जो है हमने ये पानी का डाल दिया, ठीक है। वन कप पानी डाला तो अब ये कम है ना, तो मैंने इसलिए वन कप डाला कि मैं आपके सामने इतना पानी नाप के डालती हूँ कि कितना पानी डलता है, ठीक है जी। तो उससे ये होता है ना कि हर चीज़ बड़ी परफेक्ट बन जाती है। तो अब इसमें दूध जो है बस वही आधा की आधा किलो तकरीबन डालेंगे हम, ठीक है जी। अब ये हो गया जी, ये हमारा तकरीबन दो कप पानी, ठीक है। दो कप चला गया पानी, आधा कप गया इसमें साबूदाना, आधा कप से कम है चीनी। तो आधा कप भी वो चीनी का था जो वो बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। मेरे पास जो स्टैंडर्ड साइज़ जो कप होता है नॉर्मल छोटा ही होता है, वो इतना बड़ा नहीं होता। या आप तीन खाने के चम्मच भी समझ लें, क्योंकि बाद में अगर आपने शहद ऐड करना है तो शहद बिल्कुल ना डालें चीनी, इसके ऊपर से आप शहद भी ड्रिजल्व कर सकती हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैंने थोड़ी चीनी इसलिए डाली है कि दूध ज़्यादा डालूंगी और काफ़ी बंदे मतलब खा, घर के तीन चार बंदे ही खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, तो फिर ये होगा कि जो बेटी को दूंगी वो उनको मैं शहद ही डाल के दूंगी, ठीक है जी। तो ये अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पर, ये खूब अच्छा सा पकेगा, बिल्कुल धीमी आंच पे। कोई इसकी मुश्किल वो रेसिपी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ, रिमाइंड करवा रही हूँ एक तरह से कि नाश्ते इस तरह से भी होते हैं, क्योंकि हम लोग बस उसी नाश्ते पे लगे हुए हैं। और असल में जब इंसान हो जाता है ना आफ्टर 30, तो मेरा ख्याल है नाश्तों को इस तरीके से करना चाहिए जैसे मैं आजकल आपको दूँगी, ठीक है जी। ये नाश्ता हो जाएगा, फिर इसके बाद हम कुछ और भी बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको रखती हूँ चूल्हे पर और बिल्कुल धीमी हल्की सी आँच पर, दम वाली आँच पर। ये खूब अच्छा सा पक जाता है, उसका इनके एक निशानी ये होती है, जो ये वाइट आपको दाने नजर आ रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट कलर में हो जाएंगे। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे इट्स मीन कि ये डन है। और इसमें आपने क्या करना है, मिल्क डाल देना हाफ के जी, हाफ के जी से ज़्यादा अगर डाले हाफ के जी से ज़्यादा भी डाल लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हाफ के जी डालना है, फिर अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा डाल लीजिए, ठीक है जी। अच्छी देखिए इस तरीके से साबूदाना अच्छी तरीके से पक जाए, तो इसमें हम डालें दूध। अभी हम लोगों ने खाना नहीं है, खाएँगे अभी हम थोड़ी देर बाद, ठीक है जी। तो हम फिर और भी दूध डाल लेंगे इसमें, तो फिर बाद मैंने आपको बताने के लिए देखिए जी कि हमारी साबूदाना। तो इस तरह नाश्ते में इस तरह की चीज़ें खाया करें, बहुत अच्छे होते, फ़ायदेमंद होते हैं। अभी इसमें दूध और भी डालेंगे, ठीक है जी। इसमें तकरीबन मैं हाफ के जी और दूध डालूंगी, ठीक है। फिर इतना हो जाएगा, सारे एक एक बोल भर के ले लेंगे। और कोशिश किया करें कि फ्राइडे वाले दिन ये ले दें, अपने बच्चों को दे दें, मतलब ये वाला नाश्ता, क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाती है फ्राइडे को, तब तक अच्छा है बच्चों के लिए, एक एक दो दो बोलिए खा लें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए जी, इस तरह से इसका दाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो अभी दूध इसमें और डालेगा और टेस्टी सा हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें बनाकर आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, इसमें आप बनानास भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल ये चीज़ें, ये जितने मतलब आप चीज़ें डालेंगे ये उतनी फ़ायदेमंद है। अंजीर भी, इवन इसको अंजीर के भी छोटे छोटे पीसेस करके वो भी डाल दिया करें बच्चों को सुबह के टाइम, तो इससे बेहतर सीरियल कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए, नाश्ता कुछ भी नहीं है। तो ये नाश्ता बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। स्टमक जिनको प्रॉब्लम हो उनके लिए तो लेना यही वाली चीज़ है। तो फिर ये बस मेरा छोटा सा व्लॉग था, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मेरी ये जो वीडियो है इसको आप लोगों ने इस पर अमल भी करना है। मेरी जो बातें होती हैं ना, जो सुनते हैं आप लोग, उस पर अमल भी किया करें। ये पाते हैं छोटी छोटी, हर घर में होता है, हर एक को पता है ये चीज़ें, लेकिन देखें ना अब ये चेंज करते हैं तो बाज़ का जहन में आइडिया भी नहीं आता ना कि ये चीज़ बनाते हैं, ये चीज़ बनाते हैं। तो फिर ये तो मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको आइडियाज़ आते जाएंगे, चीज़ें याद आती जाएंगी, ठीक है जी। कमेंट बताइए कैसा लगा आज का व्लॉग, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा देखिए इस तरीके से अगर हमारा साबूदाना बना हो, और ये मैंने डिश आउट भी कर दिया था, ठीक है, वो भी दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए जी, तो इस तरह से अगर साबूदाना भी बना के दिया जाए नाश्ते में, तो बच्चे बड़े शौक से खाएं। बादाम, पिस्ता, किशमिश, और इसमें जी डले हुए हमने ये खजूरें डाली, ठीक है जी।
ये बहुत ही हेल्दी डाइट है बच्चों के लिए। ज़ाहिर बात है खजूर भी इसमें चलेगी, ठीक है, प्लस साबूदाना भी है। ये मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है, जो मैदे के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, आम पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। शुगर है तो इसमें बिल्कुल चीनी नहीं डाली, मैंने चीनी नहीं डाली, थोड़ी सी बिल्कुल डाली है क्योंकि दूध भी ज़्यादा डाला। आपको पता है क्वान्टिटी कितनी ज़्यादा थी, बिल्कुल मैंने मामूली सी चीनी डाली है। तो इसमें आप शहद ऐड करके खाएं तो बहुत ही टेस्टी है, यमी सा। तो ये बच्चों को डेली नाश्ता एप्पल के ये वाला दें, अगर छोटे बच्चे हैं उनको आदत डाल दें, इनके 2 साल 3 साल से बवे उनको अगर आदत डाल दें, 10 साल की एज तक वो ये खाएंगे तो बहुत ही उनकी सेहत के लिए ये हेल्दी डाइट है, बहुत ही अच्छी है। तो फिर जी इसके साथ ही हम चलते हैं, ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक, ओके, अल्लाह हाफिज़।